गोरखपुर सामान्य निर्वाचन 2019 के सातवें व अंतिम चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां शाम तक अपने अपने मतदान केंद्र तक सकुशल पहुंची। मतदान केंद्र पर पहुंचकर पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय व तृतीय ने आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी। मतदान केंद्र पर सभी अधिकारियों ने वीवीपैट मशीन और अन्य आवश्यक कार्यवाही में लगे रहे। 19 मई को लोकसभा चुनाव सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे सम्पन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएम सिटी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर के श्रीवास्तव ने बताया कि पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। 19 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बूथों पर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 10% मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में सजाया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएम सिटी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, सड़ गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र और 67 बांसगांव लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन है और हमारे यहाँ से 3,434 पोलिंग पार्टियाँ आज अपनी निर्वाचन सामग्री लेके रवाना हो गई हैं और वो अपने मतदेय स्थलों पर पहुँच भी गई हैं। कल सुबह 6 से 7 के बीच में मॉक पोल की प्रक्रिया करेंगे सभी पोलिंग एजेंट्स के सामने कि देख लीजिए मशीन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मत पड़ रहे हैं और जो वीवीपैड में पर्चियां गिन रही हैं दोनों को गिन के दिखा देंगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। मशीन में जिसको वोट डाला गया उसकी पर्ची भी छप के आई है। जब ये प्रक्रिया कर लेंगे इसके बाद अपने मतों को मॉक पोल के जो CRC प्रक्रिया है क्लोज बटन दबा के रिजल्ट बटन दबा के और क्लियर बटन दबा के उसे सारा रिजल्ट दिखा के क्लियर कर देंगे। मशीन को फिर से 0 वोट पे कर देंगे। इसके बाद 7 बजे से निर्वाचन का कार्य शुरू हो जाएगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने गर्मी को देखते हुए शाम को 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है ताकि मतदाताओं को वोट देने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बार आयोग ने ये निर्देश दिया है कि जो मतदाता पर्ची इनको बांटी जाती है वोटर्स को उसका उद्देश्य है सिर्फ उनको जानकारी देना कि आपका इस मतदेय स्थल पर इस क्रम संख्या पर आपका वोटर में नाम दर्ज है। लेकिन इस बार मतदाता पर्ची अकेली पर्ची के आधार पर वोट नहीं डाला जा सकता है। 12 तरह के अन्य फोटो कार्ड को निर्वाचन आयोग ने अनुमति दी है जिसमें इपिक कार्ड जो फोटो इलेक्ट्रिक कार्ड है वो फोटो पहचान पत्र है वो भी, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है और जॉब कार्ड है, बैंक पासबुक है, इस तरह के 12 अन्य अभिलेखों के साथ अपनी मतदाता पर्ची लाने पर वोट कर सकता है। इस बार जिलाधिकारी ने और कमिश्नर साहब ने ये निर्णय लिया है SSP साहिबान ने कि पोलिंग का समय इस समय बहुत गर्मी में है, लू चल रही होगी और काफ़ी धूप भी तेज होगी। ऐसी स्थिति में जो लोग अपना निजी वाहन लेके मतदेय स्थल पर परिवार सहित जाना चाहते हैं उनको अलाउ कर दिया है, लेकिन मतदेय स्थल के 200 मीटर पहले जो पार्किंग बनाई गई है वहाँ पर वो वाहन को छोड़ देंगे और इसके बाद उन्हें 200 मीटर पैदल चल के अपना मत का प्रयोग करना होगा और फिर वापस आके 200 मीटर अपना वाहन लेके घर जा सकते हैं। हाँ, आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, 10% बनाए गए हैं। 3878 बूथ हैं हमारे, 3870 बूथ हैं, उसमें से 10% बूथ हमारे मॉडल बूथ हैं जहाँ पर हर तरह की सुविधा इस रहेगी और कारपेट वगैरह, छाया सब चीज़ रहेगी, हर बूथ पर छाया रहेगी।